हाय एवरीवन, हम सबको चाहिए कि ऐसा कोई पौधा जो इजी टू मेंटेन लेकिन बहुत कलरफुल ग्रोज वेल, घर में अच्छा दिखे। तो वैसे ही मैं एक आज कलेक्शन लेके आया हूँ अपने पास, जो आउट फॉर सेल है अभी एंड स्टिल वी आर प्रोड्यूसिंग। मेरा हिंदी तो इतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल अब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्राई करूँगा दिखाने के लिए। एंड प्लीज़ फॉलो, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू ऑर्डर वी आई गिव यू सम लिंक इन विच वी कैन टॉक, एंड उसके बाद हम लोग ऑर्डर ले सकते हैं। वेल, हम लोग नर्सरी ग्रो करता है, प्लांट ग्रो करते हैं हम लोग असम में इन डिब्रूगढ़, एंड वी हैव वेराइटीज ऑफ प्लांट्स फ्रॉम ब्रोमिलियस टू बेगोनियस टू कार्निवरस प्लांट्स, कैक्टस एंड सैकुलेंट्स, एंड इवन इन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ट्री। सो आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इवन इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, वी कैन ऑल्सो हेल्प यू, लाइक कैसे उसको ग्रो कर सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड यू गाइडेंस टू। क्योंकि जगह जैसे डिफरेंस होता है तो उसका ग्रोइंग कंडीशन भी चेंज हो जाता है, जैसे टेम्परेचर हो, रेनफॉल हो, सॉइल क्वालिटी हो। सो हम उसका भी एडवाइस देते हैं और सिखाते हैं कि कैसे उसको ग्रो कर सकते हैं, सो डेट योर प्लान डजेंट डाई। बिकॉज यू वैन यू बाई अ स्मॉल प्लान, इट ब्रिंग्स इन लॉट ऑफ होप्स, you have hope, expectations, and you start loving that plant. And if that plant dies, or in some case wo mar jata hai, to kharab lagta hai, to usko kaise bacha sakte hai, uske liye hum log sikhate hai, so that you have minimum chances of losing your plant. So here I will be showing you some bromelias, please join with us, and if there is any comment or suggestion, please do give. So that's all. I'm Himanshu, and we are from Greendale. ये वाला ब्रोमिलियट देखिए आप, कितना यूनिक और कितना ब्यूटीफुल है इसका कलर, इसका साइज, इसका लीफ पैटर्न। एक चीज़ और फ्रेंड्स, डू फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अगर आपको और जानना है प्लांट्स के बारे में या कैसे प्लांट बिजनेस के बारे में, एनीथिंग, जस्ट फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, यू विल बी अपडेटेड एंड पोस्टेड वेरी सून अगेन। फ्रेंड्स देखिए, मैं सिर्फ प्लांट्स आपको दिखा नहीं रहा हूँ, या मैं सिर्फ सेल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट इफ़ यू आर बाइंग और गेटिंग प्लांट्स फॉर अस, वील ऑल्सो हेल्प यू कि आप उसका सॉइल कैसे बनाएंगे, कौन सा जगह से आप ले रहे हो, वहाँ का कंडीशन कैसा है, कैसे रख सकते हो, इसका केयर क्या है, सॉइल पैटर्न कैसा होगा, अगर कहीं पर ज़्यादा बारिश हो रहा है, होने का जगह है जैसा असम, तो वहाँ पर कैसा मिक्सचर सॉइल बना सकते हो। इफ़ यू बाइंग फॉर केरला, देन वहाँ के एनवायरनमेंट एंड सॉइल में कैसे रख सकते हो, इसका न्यूट्रिशन कैसा है, कितना दिन रख सकते हो, कौन सा साइड में, वील गाइड यू विद एवरीथिंग। यू कैन जस्ट सी द प्लांट्स आर क्वाइट हेल्दी एंड हैप्पी, वी हैव डिफरेंट वेराइटीज, यू सी द कलर, दिस विल मेक यू फॉल इन लव विद दिस ब्रोमेलियस। इंडिया में है, देर आर मैनी प्लांट पेरेंट्स हु आर ग्रोइंग ब्रोमेलियस, बट अभी तक ये इतना ट्रेंडिंग नहीं हुआ है, बट इट विल गो ट्रेंडिंग वेरी फास्ट। सो आप लोग इसको रख सकते हो, वील ऑल्सो सेल इन सिंगल पीसेस, यू डोंट हैव टू वरी। ये एक यूनिक पीस है, ज़्यादा नहीं है मेरे पास, बट वी विल मेक इट सून। सडनली बारिश आ गया है, अभी हैवी रेन, सो आप देख सकते हो इस पौधे को 10 दिन में एक बार पानी देने से भी होता है, एंड इफ़ इट रेन्स इट्स गुड, आप रख सकते हो, बेबी भी फास्ट देता है। लुक एट द साइज एंड कलर फ्रेंड्स, एक प्लांट जो अगेन एंड अगेन आएगा इज दिस ब्रोमेलियट, यू माइट सी इट मेनी अ टाइम्स इन दिस वीडियो। मेरा हिंदी तो इतना अच्छा नहीं है, सो प्लीज़ फॉरगिव मी, और अगर आप करेक्शन करना चाहते हो मेरा हिंदी, देन प्लीज़ आप भी कमेंट करके दूसरों को हेल्प करो इसमें। ये वाला कलर देखिए, इज़न्ट इट प्रिटी, एंड डेफिनेटली आप कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि कौन सा वाला ब्रोमेलियट आपको सबसे अच्छा लगा है यह पूरा कलेक्शन में। ये वाला एक कलर है जो ग्रीन एंड रेड आता है, और ये भी बहुत सुंदर लगता है आपका, अब देखिए इट्स क्वाइट नाइस, क्लियर, ब्राइट एंड कलरफुल फॉर योर गार्डन। ये आपको क्या बोलूँ मैं, विल मेक यू फील रियली हैप्पी, आपका गार्डन को ये बहुत ब्राइट एंड कलरफुल बनाएगा। देखिए, और ये बुशी भी है, और आप इजीली उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, एंड एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, एंड ये इट मल्टीप्लाइज क्वाइट फास्ट।
इसका ब्लूम भी आता है, इसी वीडियो में आप देखेंगे इसके ब्लूम्स भी, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लूम्स, एंड इट्स रियली इजी टू मेंटेन। अगर इसका दो तीन कलर वैरायटीज का आप रखते हो ब्रोमेलियड्स, फॉर श्योर इट विल जस्ट एनहेंस द ब्यूटी अराउंड योर गार्डन। ये वाला का आप साइज देखो, कलर देखो, कितना कितना सुंदर है ये और कितना बड़ा है। इट इज़ अ हैवी, ये हैवी हो गया क्योंकि ये बड़ा पॉट में है और ये थोड़ा पुराना भी है मेरे पास। सो आई एम कीपिंग देम, आई लव देम, सो आई लव देम बिग, सो मैंने रखा ये वाला। देखिए, डोंट यू थिंक दिस आर रियली गुड, कितना अच्छा लगता है ये ब्रोमेलियड्स देख के। अब देखो ये एक है, बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। लुक एट द कलर एंड ब्राइटनेस, और दिस प्लांट्स कैन बी कैप्ट इन शेड एज वेल एज इन सन। एक ही डिफरेंस आएगा इसका कलर, सन में रखने से थोड़ा डिफरेंट होगा और शेड में रखने से थोड़ा डिफरेंट होगा कलर। ये पिंक वाला तो मेरे पास है इन क्वाइट गुड नंबर्स। ये वाला एक है अच्छा वाला कलर, माइल्ड एंड जेंटल, सो यू कैन चेक। आई डोंट हैव मच टू, बट वेरी सून आई हैव लॉट ऑफ दिस ऑल्सो, सो दिस इज गुड, यू कैन प्लान फॉर। ये वाला है सुंदर, देख सकते हो पिंक एंड ग्रीन में विथ येलो डॉट्स इन बिटवीन, ये गैलेक्सी टाइप का शो करता है। और ये मांगता है तो वी कैन गिव यू द डिटेल्स। दिस ऑल्सो वी हैव इन गुड नंबर्स, ये भी हम लोग सप्लाई करेंगे। तो ये भी ग्रीन एंड पिंक स्ट्राइप्स में है, यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज। तो और एक मैं दिखाता हूँ, रुकिए, ये वाला आप देखिए, इजंट इट ब्यूटिफुल, व्हाट डू यू से। ये सिंगल प्लांट है इन स्मॉल पॉट्स, देखिए आप, ये एक वैरायटी है, देखिए कितना सुंदर है। तो और मैं दिखा, ये बुशी भी हो गया है। और एक वैरायटी है ये वाला, देखिए। और ब्रोमेलियड्स के एक है कि उसका बीच में ना वाटर स्टोर हो जाता है, एंड दिस हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो। और एक बार पानी देने के बाद भी अगर बहुत दिनों तक आप नहीं दे सकते हो, देन ऑल्सो इट विल ग्रो, इट विल सर्वाइव। ये देख सकते हो आप, ये भी बहुत सुंदर है। अभी मैं आपको बहुत सुंदर वाला दिखाता हूँ, ये देखिए, अब क्या बोलोगे, ये सुंदर है ना। इसका कलर देखिए और इसका साइज देखिए, कितना सुंदर है। एंड ओपनड अप, दिस इज क्वाइट नाइस, देखिए दिस आर डिफरेंट वंस इन डिफरेंट कलर्स, दे आर ऑफ द सेम वैरायटी।
ये वाला का भी आप पैटर्न देखियो, देखिए कितना सुंदर है। एंड ये बुशी है, इसका बहुत है, सो दिस इज क्वाइट नाइस एंड इट लुक्स गुड एंड ब्राइट। ये वाला एक है ब्राइट कलर में, आप देखो। और एक नया स्पीसीज हम लोगों ने ग्रो किया है ब्रोमेलिया का, आई विल शो यू। ये देखिए हम लोग का साइज, ये वीट सब जगह होता है, चेक इट्स आउट। ये वही सब जगह ग्रो होता है, इसको आप जितना हटाओगे आपके लिए उतना अच्छा है, बिकॉज दे टेक अवे लॉट ऑफ योर गुड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम योर प्लांट्स। वैराइटीज, और एक बात आप एकदम श्योर होना कि हम लोग ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्टेशन करते हैं एंड प्लांट्स विल बी वेरी वेल पैक्ड एंड वेरी नाइसली डन। कुछ इशू आता है देन वी आर ऑलवेज अवेलेबल एंड वी आर यू कैन कॉन्टेक्ट अस। दाम सबका अलग अलग होगा क्योंकि डिपेंड्स अपॉन द वेराइटी, नंबर ऑफ पर्सन गेटिंग इंक्रीज, बट विल मेक श्योर लाइक यू मेक द बेस्ट प्रॉफिट आउट ऑफ इट। ये देखिए कितना सुंदर है, चेक आउट दिस, इजंट इट प्रिटी। ये सुंदर है ना, क्या बोलोगे आप। टेस्ट किया है कि इसमें आपको ज़्यादा खाद या पानी का जो रिक्वायरमेंट है ना वो मिनिमलिस्टिक होता है एंड इट्स रियली इजी, और आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये वैरायटी देखिए, दिस इज स्मॉल, दिस इज मिनी, बट इट्स क्वाइट गुड। अदर स्पेशल वन, चेक आउट दिस, we have only few of these, so as of now we are not selling it, but hopefully in coming few months this will be too ready for sale. Let's check out this, aur bromelias ka ek advantage hai ki aap isko indoor bhi rakh sakte ho as compared for a longer period as compared to other plants. बहुत जन पूछते हैं कि क्वेश्चन होता है कि प्लांट्स इंडोर है क्या, ये तो बी फ्रैंक कोई प्लांट एज ऑफ वो इंडोर नहीं होता है। सब लोग पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में, वो कैसे अपना फूड जनरेट करता है, तो उसको धूप चाहिए होगा। कोई प्लांट को अगर आप एक दिन रख सकते हो, किसी को दो दिन, किसी को वन वीक, किसी को 15 डेज, बट इन द लॉन्ग रन यू हैव टू सो देम सन, तभी उसका कलर अच्छा आएगा, उसका ग्रोथ अच्छा होएगा एंड आपका प्लांट हेल्दी होगा। कुछ इवेंट है, प्रोग्राम है, तो आप इसको अंदर रखो, डेकोरेशन के लिए रखो, बट देयर शुड बी अ डेफिनेट टाइम जब आप उसको बाहर निकाल के लाओ। आपको एक और दिखाता हूँ मैं, ये देखो कलर, तो आप चाहे तो स्मॉल पॉट्स में लगा सकते हो, बड़े पॉट्स में लगा सकते हो। और
और एक सरप्राइजिंग थिंग मैं आपको बोलता हूँ कि ब्रोमेलियस का सिर्फ लीव भी सुंदर नहीं होता है, उसका ब्लूम भी बहुत सुंदर सुंदर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये आप देखो, ये आप देखो, इज़न्ट इट प्रिटी। और ये लॉन्ग टाइम तक फुल खिलेगा, सो इट्स क्वाइट नाइस। आई थिंक यू शुड ट्राई ब्रोमेलियस, यू शुड पुट ब्रोमेलियस इन योर बकेट लिस्ट। मैं आपको एक और ब्रोमेलियस दिखाता हूँ, just wanted to show you the size and the magic of color. Dekhiye एक हाइब्रिड दिखाऊंगा, इज़न्ट इट प्रिटी। बेस्ट थिंग इज़ लाइक ये लोकली ग्रो किया हुआ है, तो आपको वेदर के साथ भी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये वाला एक यूनिक वैरायटी है ब्रोमेलियट का, ये ग्रीन होता है। जैसे ही गर्मी ज़्यादा होगा द लीफ विल जस्ट ओपन अप, एंड जैसे ही थोड़ा ठंडा होगा वो लीव्स का टिप्स थोड़ा कर्ल हो जाता है। ये वाला एक वैरायटी है वेरीगेटेड पिंक में, दिस इज़ वेरी प्रिटी। और ये है हमारे पास स्टॉक, ये सिंगल में भी मिलेगा, डबल में भी मिलेगा आपको, ट्रिपल में भी, और ये हैंग आउट जैसा करता है। दिस इज़ वेरी नाइस, यू शुड ट्राई इट आउट।
ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, इसका यूनिकनेस ये भी है कि ये सीडलिंग से ही ग्रोथ है, इसका बेबी नहीं निकलता है। मैं अभी आपको वेरीगेटेड ब्रोमेलिएट सेक्शन में लेके आया हूँ एंड दीज आर ब्लूमिंग। ओके, आप देखोगे इसमें कि क्या होता है, ये वेरीगेटेड एंड नॉन वेरीगेटेड दोनों में है, लेकिन ब्लूम्स आर सेम। ब्लूम जब पहले खिलता है तो इट्स पिंक एंड ब्लूइश टाइप का होता है। इनिशियली स्टार्ट्स एज ग्रीन, लिटिल बिट ग्रीनिश, लेकिन जैसे जैसे इसका टाइम क्रॉस करता है या ज़्यादा हो जाता है डिन ब्लूम का, ये डार्क पिंक हो जाता है। डार्क पिंक के बाद रेड टाइप का हो जाता है और लास्ट में जाके ये ब्लैकिश कलर का हो जाता है। और ये जो पौधा है, ये आपका फूल है इसका, ये आपका 2 महीने तक रहता है एंड इट लुक्स वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी। आप देख सकते हो मेरे हाथ में, दिस इज़ ब्लैक बिकॉज दिस इज़ ओल्ड, ये पुराना हो गया है फूल। इनिशियली ऐसा कलर आएगा, फिर ये चेंज होगा एंड आप उसका ब्रांच देखिए कितना मोटा है। दिस आर क्वाइट हेल्दी प्लांट्स, क्वाइट बिग प्लांट्स। ये पॉट से आप 2-3 पौधे अच्छे से निकाल सकते हो और इसको आप ग्रो कर सकते हो। इज़ अ वेरी हेल्दी एंड गुड लुकिंग, दिस विल एड कलर एंड यू विल फॉल इन लव विद दिस प्लांट्स। आप इसका देखिए वेरीगेशन कितना सुंदर आया है, दे आर ब्लूमिंग नाउ, सीजन बहुत अच्छा है। ये सिंगल वाला में है, आप देख सकते हो, लेकिन इसका भी बेबी निकल गया है अभी। सो वी हैव लॉट ऑफ दिस ब्रोमेलियस ऑल्सो इन आर स्टॉक, यू कैन सी इट्स फुल। सो दैट्स ऑल, दिस इज माई फेवरेट। सो इस एंडिंग में भी मैं इसी को दिखा रहा हूँ, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट। और यही मेरा मतलब, मैं अपने खुद के लिए भी इसको रखता हूँ। स्पेशली पीपल फ्रॉम मलेशिया, इंडोनेशिया आर इन लव विद दिस ब्रोमेलियस। ये थोड़ा कर्ल हो गया है क्योंकि ये थोड़ा धूप में है। ओके, सो दैट्स ऑल।